वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा, शाम हो चुकी है, अभी हम लोग कुछ खाने जाएंगे। आप लोग देख लीजिएगा उसको इस वीडियो में, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इसका तो कोई काम धाम तो है नहीं, हमेशा दिन में गाना सुनता रहता है, और इसका भी कोई काम धाम नहीं है, ये भी दिन में गाना सुनता रहता है। गाना नहीं, ये पबजी वाला प्लेयर है। दोबारा इस कूलर में पानी भरना पड़ेगा, ये लड़का जो पानी उठा के लाएगा, और ये मेरा जो जो दोस्त था वो वापस आ चुका है। आते ही पबजी पबजी पबजी, कोई काम नहीं है इसको। और मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, देखिए लेफ्ट तो देखिए, मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। इस कूलर ने हमारी ज़िंदगी जो है ना झंड बना दी है, मतलब कि पूरा झंड बना दिया, मतलब कि एक एक दिन में छः छः बाल्टी पानी डालना पड़ता है, और एक बाल्टी इतनी भारी होती है, मतलब दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है। अब तो क्या करें, डालना तो पड़ेगा ही पानी। मिशन फेल हो चुका है, कोई भी बाल्टी खाली नहीं है, तो हम लोग सोचे कि कूलर को ही है ना अंदर करके है ना, और गेट बंद कर देते हैं, तो ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। गाइस इस कुत्ते को देखिए, लग रहा है कि दारू पी के पड़ा हुआ है। ओए कुत्ते, दारू पी के पड़ा हुआ है क्या? ओए दोनों के दोनों लग रहे हैं कि दारू पी के पड़े हुए हैं। गाइस मैं इतना दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ, और आज मैं ये वाली मार्केट देख रहा हूँ कि यहाँ पे इतना कुछ खाने का है, तो चलते हैं। नहीं, मुझे तो वो खाना है यार, अरे वो दाल वड़ा नहीं होता है, दाल वड़ा ही मुझे सही लगता है। तो किधर मिलेगा? कहीं ना कहीं तो मिलता ही होगा। तो क्या करे अभी, वो कुल्लड़ वाली चाय भी मिल रही है यहाँ पे भाई। वड़ा पाव खाते फिर तू खा ले, मैं तो देखूंगा खाते हुए तेरे को। गाइस जो चीज मुझे पसंद नहीं है मैं कैसे खा लूँ, तो मुझे तो दाल वड़ा खाना था, मैं दाल वड़ा चाहिए, दाल वड़ा के अलावा कुछ नहीं खाता। मेरा ब्लॉग का ये कटा मेरा ब्लॉग का ये। गाइस सॉरी, हो जाती गलती है, लड़का है बच्चा है मेरा, हो जाता है गड़बड़। हाँ आंटी, लौंडे को आंटी मैं सुधार दूंगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। यही तो मेरा गुरु है, मैं सुधार दूंगा आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका बेटा सही हाथों में आया है, मेरे हाथों में आ गया, तो आपका बेटा पूरा सुधर जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप आंटी अच्छे से रहना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। ओए इसमें जाने का तेरे का मन है? अबे चला जा बे, इतना बड़ा तो है, इतना अच्छा तो मौका तेरे को दे रहा हूँ मैं। गाइस इसमें इसको जाने का मन है पर ये जा नहीं रहा है। भाई चला जाए यार, कभी ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे भाई, ज़्यादा से कितने लगेंगे? 200 भाई साहब। अबे मैं इसकी नीयत मुझे सही नहीं लग रही है, ये बोल रहा है कि जो तू ऑर्डर करेगा वो मैं खा लूँ। इतना पैसे क्यों लुटा रहा है? जो तू बोल रहा है कि जो तू ऑर्डर कर ले वो तू खिलाएगा, ऐसा? गाइस मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे से पैसा ना खर्च करवाइए, पैसा तो मैं होने नहीं दूंगा। वैसे क्या खाएगा देख ले, दाबेली वड़ा पाव ऑयल, दाबेली ऑयल सैंडविच कॉर्न मशरूम। तो इसमें गाइस इसमें क्या खाया, मुझे कंफ्यूज हो गया हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे पीछे भी है अभी रेगुलर पफ ऑनलाइन मसाला पफ, ये मैगी मसाला वेज मैगी, ये सब नहीं खाते हैं, वही खाते हैं। वड़ा पाव खा लेते, और तो क्या है, एक वड़ा पाव। तेरे को क्या खाना है भैया? दो वड़ा पाव ऑयल। इसका पूरा पैसा बचाया है, क्योंकि मेरा तो मन था वड़ा पाव बटर वाला खाने का, बट मैंने वड़ा पाव ऑयल ऑर्डर किया, इसकी वजह से किसको ज़्यादा भार ना पड़े। तो भाई मैं कितना सोचता हूँ तेरे बारे में, तेरे बारे में, तेरे पैसे के बारे में, तेरे से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये रहा हमारा पफ नहीं है, ये क्या इसको था, वड़ा पाव, ग्रीन चटनी, रेड चटनी और बीच में वड़ा पाव, इसका भी सेम ही है। गाइस हमारा कूलर जो है इतना पानी पीता लगता है कि कभी पानी पिया ही नहीं है। मीन्स कि हम लोग एक एक दिन में छः छः बाल्टी पानी डालते हैं, और उसके बावजूद भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर चलेगा, 5-6-7 घंटा ही चलता है, मतलब पूरा फुल भर्ती करने के बावजूद भी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिजी हो चुके हैं अपने अपने कानों में, ये तो अभी कैमरे की वजह से ये उंगली दिखाते हुए, और ये तो भाई साहब अपना गेम ही में बिजी है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इन लोगों की ज़िंदगी में। शाम का नाश्ता हमारा चना, क्योंकि भाई अपने गाँव से लेके आया है, अपने ज़मीन से लेके आया, ज़मीन में से निकाल के लेके आया नमक, नमक नहीं चना। और हम लोग ने इसमें क्या क्या है, रॉक साल्ट हम लोगों ने डाल दिया थी ऊपर,
मस्त यहाँ पे कूलर चल रहा है और मस्त चना खा रहे हैं हम लोग, और ये भाई अपना जो है पबजी में बिजी है। पानी की कीमत अभी गर्मी में बहुत बढ़ चल रही है, क्योंकि बिना ठंडा, वैसे भी पानी की कीमत कौन सा ठंडे पानी की कीमत, तो ये गर्म पानी तो कहीं मिल ही जाता, ठंडा पानी जो है फ्रिज में ही मिलेगा या तो फिर वो लग गई, या तो फिर आपको मटके में मिलेगा। तो हम लोग, मैं मटके का पानी पी के आया हूँ, एक नंबर पानी था, ठंडा पानी था, बिल्कुल मज़ा ही आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा। देखिए अकेले कूलर में हवा रोक के बैठा हुआ है अकेले, भाई सारा हवा तू ही लेगा क्या बता दे। अमीर लौंडो की निशानी ये देखिए, ये अमीर लौंडे हैं। लौंडे हैं ना, पढ़ते नहीं यार, अभी लैपटॉप विल बिना जैसे कैमरा ऑन होता है ना वैसे ये लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। भाई तू क्या साबित क्या करना चाहता है, कुछ है तेरे पास साबित करने का? इनको देखिए, ये देखिए क्या ही कर रहा है, लड़की लड़का के शादी के बारे में देख रहे हैं बैठ के। गाइस आप देखिए इतने बड़े यूट्यूबर हैं, अभी देखिए मुंह छुपा रहे हैं कि इनके चैनल का बहुत ग्रोथ ही देख लीजिएगा तो आप तो इनसे प्यार कर बैठिएगा। इनके चैनल से देखिए 1340 सब्सक्राइबर्स हैं इनके, और क्या ही करें, बड़े यूट्यूबर से थोड़ा सा अदब से बात करनी पड़ती है। इनमें कुछ ना कुछ शर्मोने कूदते रहते हैं इनके दिल में, मतलब मैं अपना कुछ भी बनाऊं इनको उंगली करना ही। गाइस आज हम लोग जो है नाश्ते में बस मिलन काट रहे हैं, अब मेरे दोस्त जो है वो वीडियो बना रहे हैं, वो भी सीख रहा है, ब्लॉगिंग सीख जाएगा, तो आइए काटते हैं, देखते हैं। ऐसे ही काटा जाता है ना, सही काटो ना बीच में से, पहले तो काट तो लो, कटा ही नहीं पा इधर से भी काट। गाइस अभी सीख रहा हूँ, मुझे आता नहीं सीख से काटना, कोई नहीं सीखते एक दिन मैं मस्त सब काटा करूँगा सबका। क्या हो रहा है, ये वाला बस पूरी जो है क्या इसको निकालना होता है ना? निकाल दो इसको, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रहते रहते मैं सीख ही जाऊंगा। सही है कि नहीं गाइस, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे। सही काट रहा है, सही काट काटते जा, मैं जो पीस में करेगा क्या उसको, मैं ये पहली बार काट रहा हूँ, आज तक कभी नहीं काटा हूँ, उससे तो बहुत कुछ काटा हुआ हूँ मैं, बट बस मैंने ये सब सब्जी में पहली बार काटता हूँ। अब इसको पीछे से काटना है ना, तो ये काटना मुश्किल है। मत काट, खराब हो जाएगा, निकटेगा, छोड़ दो उसको। कैसे काटूं? छोड़ दे। मैंने तो पहले बोला था काट दिया, तब क्या काट तू, नहीं कट गया, छोड़ना खराब हो जाएगा। गाइस गलती हो चुकी है मुझसे, कुछ काट नहीं सकते, मैं कोशिश तो करूँ, थोड़ा तो काट ही सकता है, भाई खाने लायक तो कम से कम काट दो, तो ऊपर से खा ले ना, उसमें क्या करूँ, मूली तो काट नहीं, तो खराब हो जाती बोल वो नहीं काटा जाता उसको, उसी के थ्रू खाया जाता है। आ,
हाँ उसके थ्रू ही खाए, नहीं काटे जाता उसको। तो बोला खत्म करते हैं, बंद करते हैं। आपको मैं एक बस बताने वाला हूँ कि जो मेरा फ्रेंड था उसने जोमेटो ज्वाइन किया है, तो आज मैं जो है जाने वाला जोमेटो में, आपको मैं उसकी डिटेल्स नहीं दिखा सकता हूँ, बट कल के ब्लॉग में आपको जोमेटो में उसके साथ घूमूंगा और आपको जो है बताएगा। पर मैं आपको एक छोटा सा झलक दिखा देता हूँ, आप लोगों को भी पता चलेगा क्या है। पर ये वाला ब्लॉग जो है जोमेटो वाला वो कल आएगा मेरे चैनल पर, देखते रहिएगा। Very good.